अज 15 अगस्त आजादी का दिवस बहुत इतिहासक मौका है, जो लोग भारत के लोगों की कुर्बानियां भरी संग्रामी गाथा के नतीजे वजो आजादी का प्राप्त हुई तो आजादी का दिन मना रहे। मैं इस दिन के उत्ते सारे देशवासियों बधाई देना, पर नाल ही जिहड़ा 1947 में दुखांत वापरिया, क्योंकि दो ऐसियां धिरां सन इस दुखांत के पिछे जिहड़ियां धर्म के नाम से राजनीति करदियां सन, एक सी मुस्लिम लीग एक सी RSS। उन्हां दोनों के इस विचारधारा के कारण भारत की आज़ादी के समय देश दो देशों वंडिया गया धर्म के नाम से, और उहदे च 10 लाख लोगों का कतलेआम होया। लोग उजड़े घर बार छड़ के गए, हज़ारां धीआं की बेपती हुई। वो दुखांत हाले तक लोगों के मन च आ, वो जख्म लोग हाले भुले नहीं। अज फिर बदकिस्मती है, जो आज़ादी का दिन मना रहे हैं उदों मोदी साहब कोई लोगों के मसलों को उचारन की बजाए इनू भी एक ईवेंट के तौर पर बना रहा, घर घर तिरंगा लवा लो। तिरंगा तो लोगों के मन च आ, हर साल लोग तिरंगा लाते, पर तिरंगे का प्रचार ही तुम इन्ने करोड़ों रुपए च करो, और तिरंगा लोगों को जबरदस्ती सरकार वंडे, जबरदस्ती लवाओ, उन्हें झगड़े पैदा करो। मैं समझता ये तिरंगे के सम्मान करना अपमान करना ज़्यादा जापता। असी कौमवाद उस दे हक च जो साम्राज्य के विरुद्ध ही होवे, अन्ने कौमवाद के हक च नहीं, जो मोदी साहब प्रचार करते हैं। और एक दुखदाई घटना जी पिछले कुछ दिनों तो कुछ वापर रही है, एक दिन एक घटना मध्य प्रदेश की वापरी, जदों एक दलित बच्चे को प्यास लगी तो उन्हें किसी को उस जाति के बंदे को पानी लेने वास्ते कहा। उन्होंने कहा पानी मैं तेनों पिला सकता, पर तू अपनी जुत्ती खोल, अपने पुल्लां नाल ला, तो फिर मैं उत्तों पानी पावांगा, तू अपनी जुत्ती राही पानी पी। 75 साल की आज़ादी तो बाद मेरा देश इत्थे पहुंचया, जिहदे उत्ते मोदी साहब हुण माण कर रहे हैं, पर मेरे वर्गे बहुत सारे लोग इस गल के उत्ते पश्चाताप कर रहे हैं, अजिही स्थिति पैदा क्यों हुई है। तो कल एक होर दर्दनाक घटना राजस्थान च वापरी है, जोधपुर च, जिथे एक बहुत ही छोटे बच्चे ने पानी अपने हेडमास्टर की उस मटकी चो पी लिया प्यास के कारण, फिर सज़ा उन्होंने ये दी गई भी उन्होंने कुटिया गया, बहुत बिजरे महीना और उसकी मौत हो गई है। जिथे पानी पीने लई बच्चे नूं सज़ा मौत मिलती होगी, जिथे जुत्ती राही पानी पीने लई मजबूर किया जाए, और फिर RSS का भी असी पुराना उही मनुवाद ढांचा देश च लियाउणा आ, तो फिर इस आज़ादी के जश्न के नाल नाल चिंता करने की ज़्यादा लोड़ है भी कि उही आज़ादी है जिहड़ी आज़ादी गदर पार्टी चाहती सी, जिहड़ी आज़ादी शहीद भगत सिंह चाहता सी, लाजमी वो आज़ादी नहीं। इसलिए जी 47 साल राष्ट्रीय आज़ादी मिली है, उहदियां खुशियां मनाते हुए अगे वधीए, और जिहड़ी हकीकी आज़ादी है लोगों की आज़ादी है, जिहड़ी गरीबी ते अमीरी का पाड़ा मिटे, जिहड़ी जात पात मुकावे, वह आज़ादी का संघर्ष तेज़ करिए। इन शब्दों के नाल मैं ये जिहड़ियां दो घटनावां वापरियां इन्हां ते बहुत ही मंदभागी हां, चिंता का प्रगटावा करदा, नाल ही लोगों को सुनेहा दिंदा भी वो उस आज़ादी वास्ते जदोजहद नूं तेज़ करन, जिहड़ी भगत सिंह की आज़ादी सी, जिहड़ी गुरु नानक दे बाणी च सानूं कदे नज़र आउंदी है, जिहड़ी आज़ादी रविदास जी चाहुंदे सन, उदां दी आज़ादी सानूं चाहीदी है। धन्यवाद।